दोस्तों आज मेरे पास रखा है जंक्शन पाल का रिंग कटर और आज की इस वीडियो में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ इस ऑइंटमेंट के बारे में, किस तरह की यह मेडिसिन है, क्या इसके बेनिफिट हैं, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किन किन रोगों में। तो अपने वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इस रिंग कटर के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही छोटी सी डिब्बी में आपको यह अवेलेबल होता है जंक्शन पाल का रिंग कटर। यह मेडिसिन मेन काम आती है स्किन डिसीज़ में, उसमें भी ख़ास तौर पर अगर आपको खुजली की समस्या है और साथ में आपको यदि दाग हो गए हैं, रिंग वॉर्म हो गए हैं, तो उनको दूर करने के लिए यह रिंग वॉर्म आपको जो है काफ़ी अच्छा काम करता है रिंग कटर मेडिसिन। बात करें इसके कंपोजिशन की तो फ्रेंड्स, इसके अंदर दो चीज़ें मिलाई गई होती हैं। पहला रहता है बेंजोइक एसिड और दूसरा रहता है सैलिसिलिक एसिड। इन दोनों चीज़ों को एक ऑइंटमेंट बेस के साथ में ले करके मिक्स करके इसको तैयार कर लिया जाता है। पैकेट में आपको खोलकर दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह की पैकिंग में आपको यह मिलता है। एक छोटी सी डिब्बी इसके अंदर रहती है और पैकिंग इसके अंदर इस तरह का कुछ मलहम आपको देखने के लिए मिलता है। खास बात इसकी यह रहती है कि जब हम इस मलहम का प्रयोग करते हैं तो इसको लगाने के बाद में थोड़ा सा यह इचिंग आती देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है दांत को काटने का कार्य करता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली महसूस होती है। बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए तो फ्रेंड्स, जिस भी एरिया पर आपको इसे लगाना है, पहले उस एरिया को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद अपने साफ़ फिंगर टिप्स की हेल्प से या कॉटन स्वैब की हेल्प से आप यह रिंग कटर को अप्लाई कीजिए थोड़ा सा, और उसको फैला फैला कर पूरे अफेक्टेड एरिया पर आप लगा लीजिए और फिर इसको लगा आप रहने दीजिए। इस तरह के नियमित प्रयोग से आपका जो है दांत की समस्या है, खुजली की समस्या है, काफ़ी अच्छे तरीके से वह खत्म हो जाती है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं इसको प्रयोग में सावधानियों के बारे में। तो सावधानी आपको मेन यह रखनी है कि एक तो आपको यह किसी भी खुले हुए जख्म पर नहीं लगाना चाहिए, कोई ऐसा जख्म जिसमें से ताज़ा खून बह रहा हो वहाँ पर आपको इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके अलावा इसको आप ओरली कंज्यूम ना करें, बच्चों की पहुँच से दूर रखें। और इन सब के अलावा इसको आपको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही फ्रीज करके रखना चाहिए। ना तो आप इसको फ्रीजर में रखेंगे, ना आप इसको धूप में रखेंगे, सिंपल कमरे में रखिए, आराम से यह जो है आपका सुरक्षित बना रहता है। बात करते हैं कि इसकी प्राइसिंग के बारे में और पैकिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, 14 ग्राम मेडिसिन इस डिब्बी के अंदर भरी गई होती है और इस 14 ग्राम मेडिसिन की जो कीमत है केवल 22 रुपये रहती है। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी के साथ में यह रिंग कटर आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी पहले इस मेडिसिन को यूज़ किया है तो कैसा इसका रिजल्ट रहा था, आपके दांत को, खुजली की समस्या को ठीक करने के लिए कितना यह लाभकारी रहा था, आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स, हमारा इंस्टाग्राम चैनल, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।